इतना पतला सा रोड है लेकिन इसके अंदर ट्रैक्टर कार सब कुछ आ जाते हैं। तो यही तो हमारे इंडिया की खासियत है कि मतलब जहाँ पे बाइक जानी चाहिए वहाँ जा रहा है ट्रैक्टर पूरा। देखिए चिचा, मतलब ऐसे लोग ओवरटेक कर देते हैं बिना देखे कि सामने से भी कोई आ रहा होगा, क्योंकि डिवाइडर तो है नहीं बीच में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है वापस से आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, मैं भी जस्ट कायमगंज से निकल रहा था, मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब कायमगंज का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। ये एक तराह जैसा कुछ बना हुआ है और इसी से आप थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो यहीं से मार्केट है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये जो कायमगंज का मार्केट है काफ़ी बड़ा सा मार्केट है, जैसे कि आपने फर्रुखाबाद का नेहरू रोड देखा होगा उस पर पूरे मार्केट्स लगते हैं, वैसा ही मार्केट है। तो आप देखिए, इस वाले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं कायमगंज के आसपास या फिर आपका कोई गांव है आसपास, तो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आ सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें बहुत सारा बड़ा सा मार्केट लगता है। बेसिकली मैं अभी कंपिल गया हुआ था, कंपिल से जब मैं वापस आ रहा था मैंने देखा कि मतलब इतना बड़ा सा मार्केट है, लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि गाइस फर्रुखाबाद से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है आपके काम का वीडियो हो सकता है, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। निकल जाइए क्या, मतलब इतना पतला सा रोड है लेकिन इसके अंदर ट्रैक्टर कार सब कुछ आ जाते हैं। तो यही तो हमारे इंडिया की खासियत है कि मतलब जहाँ पे बाइक जानी चाहिए वहाँ जा रहा है ट्रैक्टर पूरा। हालांकि छोटे साइज़ का ट्रैक्टर है देखिए आप, लेकिन ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर है, लेकिन कार आ गई थी ना उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक लग गया था। चिचा थोड़ी साइड दे दें, हम निकल जाएंगे आगे। ट्रैक्टर बड़ा प्यारा लग रहा है। वैसे गाइस कायमगंज का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ट्रैक्टर ने तो हमें साइड दे दी है। और गाइस अब आप देखिए, ये है मेन मार्केट कायमगंज का, और हालांकि ट्रैफिक थोड़ा लगा हुआ है लेकिन मार्केट आप देखिए, मतलब यहाँ से आपको सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं जो भी आपको ख़रीदना हो। इसलिए आज है संडे, मुझे नहीं पता है कि संडे को बंद रहता मार्केट खुलता है, लेकिन दुकानें खुली हुई तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। भाई ये जो कार वाला है उसी की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था, और फिलहाल अभी कार वाला तो थोड़े आगे निकल चुका है, लेकिन दो ई रिक्शा हैं, इन्हें पहले ओवरटेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं चल के। यही है गाइस पूरा मार्केट, आप देखिए आपको जो चीज़ पर देखिए चिचा, मतलब ऐसे लोग ओवरटेक कर देते हैं बिना देखे कि सामने से भी कोई आ रहा होगा, क्योंकि डिवाइडर तो है नहीं बीच में। गाइस कायमगंज का मार्केट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं, आप इस मार्केट में कभी आए हैं कि नहीं आए हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा। चलो यार, बुलेरो वालों ने तो साइड दे दी है, अभी हम आपको दिखाते हैं चल के आगे और क्या क्या है। बेसिकली कायमगंज जो है ना वो फर्रुखाबाद के बाद सबसे बड़ा शहर है, यानी मतलब सबसे ज़्यादा आबादी रहती है यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ का जो मार्केट है वो भी बड़ा होगा। और यहाँ पे तहसील भी है और ये फर्रुखाबाद का एक ब्लॉक भी है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो गाइस अभी हम जो कायमगंज का मार्केट है उससे थोड़े और आगे आ चुके हैं, इससे आगे तिराहा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, ये सिविल जज का न्यायालय कायमगंज में, और जस्ट इसके किनारे ही बनी हुई है तहसील, और ये महिला चिकित्सालय भी है, मतलब बहुत कुछ है कायमगंज में। जैसे आप देखिए, ये आपको सामने जो दिख रहा है ना, ये है अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी तहसील है कायमगंज की। तो गाइस मार्केट से तो मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ, और अभी हम जा रहे हैं सीधे फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद तक का अगर आपको ब्लॉग देखना है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कायमगंज से आप फर्रुखाबाद जाते हैं तो क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मार्केट, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख पाएँ इस वाली वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वैसे तिराहा है कायमगंज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट तिराहा है,
तो गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत। ये गाइज आप सबसे पहले देखिए, वीडियो तो एंड हो चुकी है। ये कायमगंज का बस स्टैंड है और इसका एग्जिट गेट भी इधर ही है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। जो बस स्टैंड है ना कायमगंज का, उसका एग्जिट गेट ये है, यहाँ से ही बसेस जाती हैं सारी। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।